सो हेलो एंड स्वागत है फिर से एक नए वीडियो जिसके अंदर अपन लोग बात करने वाले डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स पे आने वाली मार्च के महीने में ड्रामे मूवी और सीरीज के बारे में। बाकी एमएक्स प्लेयर और अदर प्लेटफॉर्म की अभी तक कोई लिस्ट वगैरह नहीं आई है, जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल अब इसके बारे में बात करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं और आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो पहला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली हुई एक्शन थ्रिलर रोमांस पर बेस्ड कोरियन मूवी है जिसका नाम है माय नेम इज लॉकी वॉन, जो कि आपको 1 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। अगला थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामा जो है आपको 1 मार्च से ही ओरिजिनल लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने मिलेगी। अगला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली वो एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है मामला लीगल है, जो कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे 1 मार्च से ही देखने मिलेगी। तो अगर आप लोगों को 18+ ड्रामा सीरीज या फिर मूवी वगैरह देखना पसंद है तो समझो अगला अपडेट आपके लिए है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज जिसका नाम है सुपर सेक्स, जो कि आपको 6 मार्च से हिंदी इंग्लिश डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलने वाली है। अगला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली वो एक्शन क्राइम कॉमेडी पे बेस्ड एक ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है द जेंटलमैन, जो कि आपको 7 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। अगला जो आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली वो मिस्ट्री साइफाई पे बेस्ड एक मिनी ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है द सिग्नल, जो कि आपको 7 मार्च से ही हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। अगला है एक्शन एडवेंचर साइफाई पे बेस्ड एक मूवी जिसका नाम है डैमसल, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी, वो भी 8 मार्च से। अगला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली वो कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। ड्रामे के अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलने वाले जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड में प्रेजेंट करी जाएगी, और ये जो कोरियन ड्रामा है आप 9 मार्च से ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। आपको बता दूं इसके हिंदी डबिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मे भी हो सकता है ये आपको हिंदी में तो अभी देखने नहीं मिलने वाली, फ्यूचर में आए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अभी आपको ये ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने मिलेगी। अगर आप लोगों को वैम्पायर वाली ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो समझो अगला अपडेट तुम्हारे लिए है। एक मैक्सिकन ड्रामा जो कि एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड है जिसका नाम है बैंडिडोस, जो कि आपको 13 मार्च से हिंदी इंग्लिश डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलने वाली है। अगला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली हो मिस्ट्री कॉमेडी फैंटेसी पे बेस्ड कोरियन ड्रामा जिसका नाम है चिकन नट्स, जो कि आपको 15 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलने वाली है। अगला हॉरर कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड एक मूवी है जिसका नाम है मर्डर मुबारक, जो कि आपको 15 तारीख से ही मल्टीपल लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। अगला जो कि आपको मार्च में देखने मिलने वाली वो है फिजिकल 100 का सीजन 2। सीजन 1 ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख सकती हो, और ये जो सीजन 2 है आपको 19 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। अगला थ्रिलर रोमांस पे बेस्ड एक मूवी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लव, जो कि आपको 14 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। अगला जो कि आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाली हो एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पे बेस्ड एक ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कि आपको 21 मार्च से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। फिलहाल यही सारी ड्रामा सीरीज है जो कि आपको मार्च के महीने में हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिलने वाली है। बाकी और भी कुछ ऐड होती है या फिर किसी की लैंग्वेज से रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमेशा आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलती है। बाकी आपको और भी आने वाले कोरियन और चाइनीज ड्रामे से रिलेटेड अपडेट चाहिए जो कि हिंदी में आने वाली है तो आप इस वाले वीडियो को देखो, और मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर।